वेलकम टू कॉर क्लासेस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है BSHF 101। इसके दो यूनिट्स जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है उसके लिए हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो MCQs क्वेश्चन हैं। आज हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 लेकर आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें वीडियो को और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जिसको यूज करा गया ट्रांसफर ऑफ पीरियड, कैसे टाइम चेंज हुआ, उसे किन टर्म्स के साथ इसे डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया। वो टर्म थी रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन कॉजेस फॉर टर्म्स ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या उसके कॉजेस थे रिफॉर्मेशन के लिए? सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म द प्रिविलेज्ड पीपल हैव मनी। जो प्रिविलेज्ड पीपल थे उनके पास जो धन था वो किस फॉर्म में था? गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में। डिफाइन कैपिटल मनी। कैपिटल मनी को उस टाइम कैसे डिफाइन किया जाता था? प्रॉफिट मेड व्हेन री इन्वेस्टेड टू मेक फर्दर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट लिया जाए और प्रॉफिट को दोबारा से इन्वेस्ट किया जाए ताकि और प्रॉफिट कमाए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द इंटरनेशनल ट्रेड इन लग्जरी गुड्स फ्रॉम द ईस्ट। क्या थे? वेनिस, जेनोआ, पीसा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस। इसका एक वर्ड में अगर मीनिंग बताना हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रीबर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई द टर्म रेनेसेंस यूज्ड। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि अगर इस वर्ड को एक ही वर्ड में दोबारा डिफाइन करना हो तो सिंपल वर्ड्स में तो कैसे करेंगे, वो है रीबर्थ। लेकिन इस टर्म को यूज ही क्यों किया गया? द टर्म इज व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड इन सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस एंड रोम। सिविलाइजेशन और ग्रीस में और रोम में सिविलाइजेशन की वजह से ही इसको यूज करा गया। व्हाट वर द न्यू डेवलपमेंट्स ऑफ रेनेसेंस। क्या नए डेवलपमेंट थे? आर्ट, लिटरेचर में डेवलपमेंट हो रही थी, रिलीजन में, फिलोसफी में, साइंस एंड पॉलिटिक्स में भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप फॉर सेंचुरीज डोमिनेटेड बाय। द इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ जो यूरोप की थी वो डोमिनेट कर दी गई, हो गई डोमिनेट। कैसे? बाय कैथोलिक चर्च। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोलिक चर्च। What is mean by humanism? Decisive shift in concern for human as distinct from divine matters, which is known as humanism. Next question is question number 11. The Renaissance belief in, iska belief kya tha? Limitless potentialities of man. कि मैन में जो ह्यूमन है उसमें पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। डिस्क्राइब पावर ऑफ मैन। पावर ऑफ मैन इज टू जनरेट इनटू अ ब्रूटिश फॉर्म ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वे रिलीजन टू सेक्युलरिज्म। द ट्रांसफॉर्मेशन विच द रेनेसेंस इनॉग्रेटेड may termed as marketing the passage from religion to secularism. Next question number 14th, humanist idea of renaissance found artistic expression in। जो human idea थे art के कला के दृश्य से अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे ideas थे? literature, painting, architecture, sculpture। Next 15th question, most of writers, poets and dramatists of renaissance belongs to। किस किस जगह में वो belong करते थे ज्यादातर? Petrarch and Boccaccio in Italy, इटली में थे। Rabelais थे in France and Erasmus in Holland, von Hutten in German,
शेक्सपियर थे इंग्लैंड से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच लैंग्वेजेस वर यूज्ड अंटिल 14th सेंचुरी. कौन कौन सी लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती थी अंटिल 14th सेंचुरी. वो थी इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी ये जो लैंग्वेजेस हमने अभी पढ़ी, दीज लैंग्वेजेस आर रिप्लेस्ड बाय लैटिन. उसकी जगह अब लैटिन ने ले ली थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन 1456. बुक का नाम था गटनबर्ग्स बाइबल. अब एक दूसरी तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गटनबर्ग बाइबल थी, वो जो फर्स्ट बुक प्रिंट की गई थी वो किस ईयर में प्रिंट की गई थी. तो उसका आंसर क्या है, 1456. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गए. क्वेश्चन नंबर 19, नेम द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन इटालियन. जो इटालियन स्टोरीज थी उसका एक कलेक्शन करके उसका नाम क्या रखा गया, बोकैचियोस डेकामेरन. क्योंकि बोकैचियोस जो थे वो इटली से ही थे, इसीलिए उनका उनके नाम से ही स्टोरी को कलेक्ट करके बोला गया बोकैचियोस डेकामेरन. व्हाट वर द एरियाज ऑफ अचीवमेंट ऑफ रेनेसेंस. कौन कौन से ऐसे एरिया थे जिसमें ज्यादा अचीवमेंट करी गई पेंटिंग की कला से, मतलब और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, इन एरियाज में ज्यादातर जो डिवेलपमेंट हुई थी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, नेम द पेंटिंग्स इन बॉटिगली. क्या था, एलेग्री ऑफ स्प्रिंग एंड बर्थ ऑफ वेनिस, ये इस पेंटिंग के नाम थे. क्वेश्चन नंबर 22 इज नेम द पेंटिंग्स ऑफ लियोनार्डो द विंची. वर्जन ऑफ द रॉक्स, लास्ट सपर एंड मोनालिसा. क्वेश्चन नंबर 23, नेम द पेंटिंग्स ऑफ राफेल. स्कूल ऑफ एथेंस, सिस्टिन एंड मेडोना, ये तीन उनकी पेंटिंग्स थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नेम द सीरीज बाय माइकल एंजलो. कौन सी सीरीज थी, सीरीज ऑफ फ्रेस्कोज ऑन द सीलिंग ऑफ द सिस्टिन चैपल इन द रोम. क्वेश्चन 25th इज नेम द डोमिनेटेड आर्किटेक्चर फ्रॉम 12th टू एंड 13th सेंचुरीज. कौन सी थी, कैथेड्रल्स एंड चर्चेस. 26th क्वेश्चन, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर. क्या फीचर्स थे, रिब वॉल्स, शार्पली पॉइंटेड आर्क्स एंड बट्रेसेस. क्वेश्चन 27th, व्हाट वॉज द रोम आर्किटेक्चर इन न्यू स्टाइल. क्या था, सेंट पीटर्स चर्च. क्वेश्चन 28th इज बाय विच द रिएक्शन ऑफ स्कॉलरटिज्म अराइज. द नेम इज आंसर इज एम्पायरिसिज्म. क्वेश्चन नंबर 29th, व्हाट इज एम्पायरिसिज्म, एन अप्रोच विच होल्ड्स दैट द सेंसरी एक्सपीरियंस एंड इज ऑब्टेन्ड थ्रू इट इज नोन एज एम्पायरिसिज्म. 30th क्वेश्चन इज Which method was emphasized against speculative method of scholastic? कैसे, कौन से थे, कौन सा ऐसा method था, वो था inductive method. Question number 31st is name the founding of first effective scientific society. कौन सी founding थी, the Royal Society in England. Question number 32, when was द कॉपरनिकस बुक पब्लिश्ड. कब हुई थी, 1543 में. 33rd क्वेश्चन इज नेम द कॉपरनिकस बुक. अब उसका नाम क्या था, ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ द सेलेस्टियल ऑर्ब्स. क्वेश्चन 34, फॉर व्हाट पर्पस पॉपुलर सोवरेनिटी वॉज यूज, टू डोनेट डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिकनिज्म. क्वेश्चन 35th, गिव नेम्स ऑफ रिपब्लिकन सिटी स्टेट्स, इटली, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 36, हाउ वॉज द पोजिशन ऑफ पॉप डिस्क्राइब. पॉप जो थे उनकी पोजिशन कैसे डिस्क्राइब करी गई, एज पेपल मोनार्की. क्वेश्चन 37th, व्हाट वॉज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कैथोलिक चर्च. क्या उनकी इम्पॉर्टेंट फीचर था, थ्योरी ऑफ सेक्रामेंट. 38th क्वेश्चन, व्हाट वर द 7 सैक्रामेंट्स एक्सेप्टेड, बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन,
पीनेंस, द यूकेरिस्ट, मैरिज, ऑर्डिनेशन, एक्सट्रीम अंक्शन. तो ये सात के साथ आपको याद रखने होंगे. व्हाट वाज द पावर ऑफ प्रीस्ट, प्रीस्ट की पावर क्या थी, टू कोऑपरेट विद गॉड इन परफॉर्मिंग सर्टन मिरेकल्स. क्वेश्चन 14, हु वाज एडवोकेटेड द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ स्कल्पचर, जॉन विक्लिफ. 41 क्वेश्चन, When was the Protestant Revolution begun? कब शुरू हुआ था? ये revolution शुरू हुआ था 1517 को. Next question, question number 42. By whom the Protestant Revolution was led? किसके द्वारा इसको इसे कौन lead कर रहे थे? Zwingli and Calvin. 43rd question. Where was the Protestant Revolution begun? कहाँ शुरू हुआ था? Switzerland में. 44 क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड, वो थे मैगलन. क्वेश्चन 45, व्हाट वॉज गोथिक, गोथिक चर्च था, उसमें गोथिक का मतलब क्या था. अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ फ्लाइंग बट्रिसेस एंड पॉइंटेड आर्कस. क्वेश्चन 46, व्हाट वॉज बैप्टिज्म, राइट फॉर एडमिटिंग पर्सन इन टू क्रिश्चियन फेथ, ताकि उनका क्रिश्चियन जो धर्म है उसमें फेथ हो. तो ये जो सात आपने रेवोल्यूशंस जो पढ़ी थी, बैप्टिज्म थे उसमें और अंक्शन था उसमें, मैरिज थी, वो सात के साथ ही उस याद रखोगे और उनके मीनिंग भी आपको याद रखने होंगे, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है. तो इनमें ऐसे इस वीडियो में हमने करे हैं 46 क्वेश्चन, जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकते थे हमने बनाए हैं. 46 क्वेश्चन है, अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे 46 क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम चांस है कि आप जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, वो सभी के सभी आप बिल्कुल आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटा है जिनमें से क्वेश्चन ना बने हो. तो इम्पॉर्टेंट, कम इम्पॉर्टेंट, एवरेज क्वेश्चन सभी के सभी इसमें डाले हैं, और कोई भी क्वेश्चन इनमें से आएगा, इनमें से ही आ सकता है, क्योंकि चांसेस हैं कि जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर डालना होगा तो वो इन क्वेश्चंस में से ही होगा. तो आपको बुक में गो थ्रू होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वीडियो देखिए, इन क्वेश्चंस को सुनिए, और सिर्फ आपको इस पे ही रिवीजन करेंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो इसका मतलब आपने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है. तो अगर आपके लिए वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें. देखते रहिए हमारा चैनल कोर क्लासेस.